अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद साकिब धनबादी फ़िलहाल गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक कुलगो नावाटन जामा मस्जिद का इमाम। आज पूरे हिंदुस्तान यौम आज़ादी की खुशी मना रहे हैं। बड़ी खुशी का दिन है कि आज का दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हर धर्म के लोग खुशी मना रहे हैं। जिस तरह इस मुल्क की आज़ादी के लिए सभी धर्म के लोगों ने साथ दिया, सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है, एक होकर के और एकता में ही ताकत है। कहा जाता है कि एकता में ही ताकत है, सब भाई भाई की तरह एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके लड़े और इस मुल्क से अंग्रेज़ों को खदेड़ा। तो जिस तरह मुल्क की आज़ादी के लिए सब ने साथ दिया, सब एक होकर के लड़े, तो इसी तरह हमें और आपको चाहिए कि हम एक होकर के इस मुल्क में रहे और मोहब्बत के साथ रहे। जो नफ़रत फैला रहे हैं हम उसके बहकावे में ना आए। हर दौर में रहे लोग भटकाने वाले, बहकाने वाले। अंग्रेज़ों की हुकूमत, उसकी पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इस मुल्क में जो हुकूमत की है तो डिवाइड एंड रूल के तहत उन्होंने की है। एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को लड़ाते थे। हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह का मकूला है कि समंदर के बीच में अगर दो मछलियां लड़ रही हैं तो जा करके देखो कि कहीं अंग्रेज़ वहां भी छुप करके बैठा होगा और वो मछली को लड़ा रहा होगा। इस तरह की पॉलिसी थी उसकी, इस तरह से वो लड़ाते थे लोगों को। तो वो सोच आज हमारे बीच में ना हो, मोहब्बत के साथ रहें और मुल्क की सलामती के बारे में सोचें कि मुल्क हमारा कैसे तरक्की करे। मोहब्बत के साथ रहे, एक दूसरे को माफ़ करना सीखे, दरगुजर करना सीखे, गलती हो जाए माफ़ करे। इसी के साथ आप सबको बहुत आज के दिन की मुबारकबाद है, सभी मुबारकबाद के काबिल है। अल्लाह हम सबको इस मुल्क में अमन और सलामती के साथ कायम दायम रखे, इस मुल्क को बुरी नज़र से बचाए, आमीन। आखिर में हमारे चैनल पे जो नहीं आए अभी तक, जो पहली बार देख रहे हो वो सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।